वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ। विधानसभा चुनाव का तूफान अभी उफान पर आने ही वाला है कि इससे पहले सभी दावेदारों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व बरवाला हल्के की जनता के बीच में रहने वाले जोगीराम सिहाग ने गत दिवस अपने निवास स्थान पर पार्टी के कर्मठ नेताओं की मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने का उद्देश्य है आने वाले विधानसभा चुनाव के प्रति अपने कार्यकर्ताओं को अवगत करवाना था। मीटिंग के दौरान जोगीराम सिहाग ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव का समय नजदीक आ चुका है और यही वक्त है जनता को उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को अवगत कराने का, ताकि जनता नाम को नहीं बल्कि काम को वोट दे। सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जोगीराम सिहाग का कहना है कि वो बरवाला की जनता के हमेशा बीच में रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुना है और समस्याओं को सुलझाने के आश्वासन ही नहीं बल्कि उनका समाधान भी निकाला है। आइए आपको सुनवाते हैं सिटी बिग न्यूज के साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जोगीराम सिहाग की खास बातचीत। तो अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जोगीराम सिहाग जी। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि इन्होंने घर में मीटिंग का इंतजाम किया हुआ है, तो इनसे जानते हैं कि मीटिंग बुलाने का क्या उद्देश्य है। जी सर, आज की मीटिंग बुलाने का हमारा उद्देश्य है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उनकी तैयारी के लिए हमारे साथियों से सलाह मशवरा करने के लिए सभी नौजवान साथियों की मीटिंग बुलाई है, जो हमारी कोर करीम है। आज वो मीटिंग है सिर्फ हमारी, ना कि बहुत बड़ी मीटिंग है। इसमें कोई शक नहीं है कि लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा से 10 की 10 सीट अपने नाम करवा चुकी है, विधानसभा चुनाव के अंदर क्या रिजल्ट रहेगा सर? विधानसभा उसमें लोकसभा में 10 थी, इसमें 90 है, तो इसमें 90-90 करेंगे। किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता से रूबरू हो रहे हैं? मुद्दे जनता को, इस देश को कैसे आगे ले जा जाए, उस पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और प्रदेश का विकास कैसे हो, प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है वो दांव पेंच हर किसी के साथ खेलती है, क्या आपको लगता है कि आपके साथ दांव पेंच नहीं खेलेगी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको टिकट मिल जाएगी? दांव पेंच खेल नहीं जाते, दांव पेंच कौन खेलता है, कभी भारतीय जनता पार्टी ने खेली नहीं, दूसरे लोग खेलते हैं, उनकी आदत है। जिसने दांव पेंच खेले उनका क्या हाल हुआ ये सभी ने पता है, इन्हें लोग खत्म हो गई, कांग्रेस खत्म होने के कगार पे है, दांव पेंच खेलने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि सबका साथ सबका विकास, प्रदेश का कैसे विकास हो, प्रदेश कैसे आगे बढ़े, और मनोहर लाल जी जो मुख्यमंत्री हमारे, उनकी तो बड़ी साफ और स्पष्ट सोच है कि इस प्रदेश को हिंदुस्तान में हर प्रकार से नंबर वन बनाया जाए, इस सोच को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को सोच के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी यही सोच है। अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको टिकट नहीं मिलती, एक चांस लगा के चले, तो आप क्या करेंगे आगे? ऐसा संभव नहीं होगा, मुझे पूरा विश्वास है नेतृत्व पे कि वो इस बार अवश्य मौका देंगे। जो मीटिंग में लोग आए हुए हैं वो कहाँ कहाँ से आए हुए हैं सर? ये जो मीटिंग में जो हमारे साथी आए हुए हैं, ये मेरे बरवाड़ा हल्के से आए हुए हैं, और आज जो मीटिंग हमारी है उसका मुख्य मकसद ये है कि इस प्रदेश में 5 साल तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसने जो विकास कार्य किए, जो इस प्रकार से जितनी पारदर्शिता गई, क्या क्या विकास कार्य किए और आगे क्या क्या करने जा रहे हैं इस प्रदेश के लिए, उन सब का प्रचार करने के लिए। और सबसे बड़ी जो मेरी अपनी पर्सनल राय भी है, मेरा अपना सुझाव भी है, और मैं अपना उसको अपना काम भी मानता हूँ कि इस देश को, इस दुनिया को, इस सृष्टि को इस समय पर्यावरण से बचाने के लिए हर व्यक्ति एक पौधा लगाए, ये मेरी सबसे पहली सोच होती है। हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ कार्यकर्ता साथी हैं, एक एक पौधे के साथ, और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के साधारण सदस्य बनाए जाएंगे, जिस प्रकार से हमारा पार्टी का एजेंडा है, उसके साथ साथ ही हमारा जो है चुनाव की तैयारी भी चल रही है, वो भी साथ साथ होगी, उसी के तहत हमने ये मीटिंग बुलाई है। जो भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान चलाया है, उसके तहत आप कितने लोगों को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ चुके हैं? अब तक लगभग जो है हमारे 33 लाख के करीब पहले सदस्य हैं हरियाणा प्रदेश में, और अब हमने 20% का हमारा जो है टारगेट है, 20% का टारगेट तो हमने कब का पूरा कर लिया है, अब तो उससे आगे ही जाएंगे, और ये अभी लगभग जो है करीब करीब 3 गांव में हमने बनाया है, और ये अभी कल से फिर आगे दूसरे गांव में जाएंगे, तो हर गांव में कम से कम भी 50 साधारण सदस्य हम अलग से बना रहे हैं।
जैसे आप डेली लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो क्या उनका रिस्पांस मिल रहा है? और अगर आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट मिलती है तो क्या आप वहाँ से सीट निकाल पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने यदि अगर मुझे मौका दिया तो टिकट तो सर जिस दिन मौका मिल जाएगा, जिस दिन डिक्लेयर हो जाएगी, उस दिन ही सभी लोग मान लेंगे कि भाई ये टिकट भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई। और रही बात प्रचार की, प्रचार तो हम कर ही रहे हैं पार्टी का। बरवाला की जनता आपको क्यों चुने, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? बरवाला की जनता मुझे इसलिए चुने कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूं और बरवाला हलके के अंदर मैं 2002 से लगातार सभी साथियों के पास जा रहा हूं, पब्लिक के बीच में रहता हूं और इस हलके के हर गली मोहल्ला खेत खलियान के दुख सुख को जानता हूं, भाई कहां पर क्या तकलीफ है, और उन समस्याओं को जितना संभव उसके हल करवाने की कोशिश भी की। हाँ, सभी समस्याएं हल ना हो पाई ये संभव है, फिर भी मैंने बहुत सारी समस्याएं हल करवाने की कोशिश की, इसलिए मुझे चुने। क्या आपको लगता है कि जो विपक्ष के नेता है वर्तमान में वहाँ से विधायक और पहले विधायक भी रहे, उन्होंने जो कार्य किए उनमें कमी आती है और आप अगर चुन के आते हैं तो कमियाँ दूर करेंगे? उनके अंदर तो कमियाँ हैं। अच्छा, तो जो कांग्रेस का विधायक था उसका हाल देखा आपने, और अब इस आने वाले चुनाव में इनेलो से जो चुन के हमारे विधायक हैं वो कोई पब्लिक के बीच में गए नहीं, समस्याएं का तो हल वो जब कराएंगे ना, जब वो गए हों उनको समस्याओं का पता हो। आज का तक का रिकॉर्ड है, 5 साल होने को जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जो हमारा विधायक है वो कभी किसी समस्या के ऊपर गया भी हो, हल करना तो बहुत दूर की बात है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बरवाला हलके से भारतीय जनता पार्टी अपने किस प्रत्याशी को मैदान में उतारेगी। शहर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।